हिमाचल के ज्वाली में आशा वर्करों को मोबाइल वितरित किए गए हैं। ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह द्वारा 41 आशा वर्करों को मोबाइल दिए गए। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला में कोरोना काल में बढ़िया कार्य करने के लिए आशा वर्करों को मोबाइल वितरित किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला पहुंचने पर विधायक अर्जुन सिंह का डॉक्टर रवि शर्मा व स्टाफ द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर बजट में आशा वर्कर से लेकर चिकित्सक के लिए कोई न कोई प्रोत्साहन जरूर दिया है। कोरोना काल में आशा वर्करों का सराहनीय योगदान रहा है। इन्होंने घर घर जाकर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर उनके इलाज में मदद की और उसी का प्रतिफल है कि हमारे राज्य में धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को बढ़िया चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरा गया है ताकि जनता को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस विश्वव्यापी महामारी से अगर भारत की जनता को, भारत के 137 करोड़ भाई बहनों को सुरक्षित रखा तो उनका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है जिन्होंने समय के ऊपर लॉकडाउन कर दिया। और जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश भी पूरे देश में मेरे हिसाब से पहले दूसरे नंबर पर ऐसा राज्य होगा जहां कोरोना से बहुत कम लोगों की मौत गई है, जान गई है। और इसके लिए मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं, परंतु अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, जिनकी ये सोच है कि हर गरीब भाई बहन को जिसने इस कठिन घड़ी में काम किया है, हम उन्हें कुछ न कुछ कोई सम्मानित करके उनका एहसान चुकाने की कोशिश करें। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इनको कुछ नहीं मिलता, 100 रुपया या 150 रुपया शायद मिलता होगा, उसके बावजूद भी उन्होंने इनको मानदेय के रूप में, सम्मान के रूप में राशि इनके खाते में सीधी डाली। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय किया कि मैं अपने हाथों के द्वारा प्रशस्ति पत्र हर आशा बहन को दूंगा। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, सब आशा बहनों को पूरे प्रदेश की, जहां अपने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की भाई बहनों को, आशा बहनों को बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं इनका। इन्होंने जो किया वो इतिहास में एक रिकॉर्ड रहेगा। और मैं अपने सारे चिकित्सक भाइयों का भी, पैरामेडिकल स्टाफ का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महामारी में जहाँ भाई भाई के पास जाना उचित नहीं समझता, जहाँ बहन बहन के पास जाना उचित नहीं समझती, वहाँ हमारे डॉक्टर गए, वहाँ हमारे MPW के कार्यकर्ता गए, वहाँ हमारी आशा वर्कर्स बहने गई, ये तो कुछ सम्मान नहीं है। जे इनकी मेहनत का सम्मान माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने किया है, मैं इन सब की तरफ से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ में इन सब बहनों का भी, पैरामेडिकल स्टाफ का भी और अपने चिकित्सकों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अभी ये लड़ाई जीत की ओर बढ़ रही है, लड़ाई खत्म नहीं हुई, बढ़ रहे हम लड़ाई के, जीत के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे, हम जीतेंगे अपने इन भाई बहनों के माध्यम से, इनकी सहायता से। आपने मेरे विचार सुने, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.